खबर मिल रही है कोलकाता में अमित शाह के रोड शो से पहले प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ठन गई है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टर हटाए हैं, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय धरने पर भी बैठे। तो ये बीजेपी के पोस्टर्स आप देख रहे हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कि ये फाड़ दिए गए और इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। बीजेपी के पोस्टर हटाने का आरोप ये लगा है। और कल ही आपने देखा था जो जादवपुर में रैली थी अमित शाह की, उसको कैंसिल कर दिया गया था एंड मौके पर उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी। सिर्फ दो जगह ही वो अपनी रैली कर पाए थे। और आज रोड शो से पहले या देख रहे हैं प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से ठन गई है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ये पोस्टर हटाए हैं। तो बीजेपी बार बार ये बात कह रही है कि अगर रैलियां करने के लिए अगर बीजेपी वहां पर जा रही है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। बीजेपी लगातार जिस तरह से वहां पर अपनी पैठ बना रही है पश्चिम बंगाल में, जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसी से घबरा गई है ममता बनर्जी और इसी वजह से वहां पर बीजेपी को बार बार रैलियां करने से रोका जा रहा है। घबराई हुई है, दिल मिलाई हुई है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि एक एक इंच का बदला लूंगी, ये बात ममता बनर्जी कहती हैं। और बीजेपी पूछ रही है कि ये बदला ऐसे लिया जाएगा कि आप रैलियों को इजाजत नहीं देंगे, आप बीजेपी को बंगाल में एंट्री नहीं करने देंगे। तो कोलकाता में धरने पर बैठे हुए हैं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। यहाँ पर ममता जी के गुंडे और पुलिस दोनों ने साथ में आकर 15 मिनट में सारे हमारे लगे हुए कटआउट झंडे निकाल कर एक अराजकता का वातावरण बना दिया और जैसे हम आए तो भाग गए, अधिकारी भाग गए और गुंडे भी भाग गए। तो कुल मिलाकर ये अराजकता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग कहने के लिए चुनाव आयोग का प्रशासन है पर पूरी की पूरी टीएमसी का प्रशासन है जो कि यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। तो दीदी गुंडागर्दी कर रही हैं, मनमानी कर रही हैं और लोकतंत्र बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है पश्चिम बंगाल में, ये बीजेपी का आरोप। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।